हेलो दोस्तों, अगर आपका एसेंचर का इंटरव्यू के रिजेक्शन का मेल आया है तो फिर अगर आप चाहते हैं इंटरव्यू को रिशेड्यूल करना तो आप कैसे कर सकते हैं, मैं आपको सारा सारा प्रोसेस बताऊंगा। क्योंकि एक स्टूडेंट यहाँ है जिसका इंटरव्यू 8 जुलाई को था और उसका रिजेक्शन का मेल आ गया है। आप यहाँ देख सकते हैं, इसका रिजेक्शन का मेल आ गया है, तो कैसे आप इसको रिशेड्यूल कर सकते हैं, फिर से इंटरव्यू के लिए अपेयर हो सकते हैं। बहुत सारे लोग है, डाउट है, कमेंट में सिर्फ यही भरा हुआ है कि सर मैंने इंटरव्यू दे दिया है और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, बहुत सारे लोगों का रिजेक्शन का मेल आ गया है। तो उस केस में क्या करना है, कैसे आप इंटरव्यू को रिशेड्यूल कर सकते हैं, राइट? तो देखो, इसका कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप सिर्फ टिकट को रेज करें और आपका इंटरव्यू रिशेड्यूल हो जाएगा, लेकिन इसका एक तरीका है जिसके हेल्प से आप दोबारा इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। लेकिन आपको एकदम शुरू से जाना पड़ेगा, राइट? मतलब आपको फिर से अभी अप्लाई करना पड़ेगा और फिर से आपको टेस्ट देना पड़ेगा, फिर से आपको कम्युनिकेशन राउंड देना पड़ेगा और तब आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। तो सारा का सारा प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि एक स्टूडेंट के साथ ऐसा इंसिडेंट केस हुआ है। आप यहाँ देख सकते हो, इसका जो इंटरव्यू था 8 जुलाई को था, लेकिन इसको रिजेक्शन का मेल आ गया है। तो इसने क्या किया है, इसने क्या किया है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, इसने क्या किया, मुझे मैसेज किया है कि भैया फिर से अप्लाई किया, हो गया अप्लाई और ऐसा आया थैंक यू पर अप्लाई लिखकर वो वाला कैंसिल हो गया था, शायद यू नीड टू हेल्प मी वंस अगेन। तो देखो, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, 8 तारीख को इसका इंटरव्यू रिशेड्यूल हुआ था और फिर से इसने अप्लाई किया है, तो फिर से इसका अप्लीकेशन सक्सेसफुल हो गया है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। और फिर से इसको क्या करना पड़ेगा, इसको टेस्ट देना पड़ेगा, फिर इसको कम्युनिकेशन टेस्ट देना पड़ेगा और फिर से इसको इंटरव्यू देना पड़ेगा। मतलब अगर आपका एक बार में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप इस तरीका को अपना सकते हैं, क्योंकि एसेंशन में अभी हायरिंग चल रहा है, तो फिर से आप अप्लाई कर सकते हैं और फिर से आप अच्छे से टेस्ट में अपेयर होकर आप इसका सिलेक्शन ले सकते हैं। तो जिनका भी सिलेक्शन अगर एक बार में नहीं हुआ है तो अभी चांस है, आप जाओ अप्लाई करो और अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको कंग्रेट्स, क्योंकि अभी मौका है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है कि अगर आपका इंटरव्यू एक बार आप रिजेक्ट हो गए तो फिर से आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर लें, फिर से आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर लें, ऐसा नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, इस बार अच्छे से अप्लाई करना है और ये जो स्टडी मटेरियल है इसको फॉलो करना है ताकि सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि इसमें वो सारा सारा मटेरियल है, आपको एप्टीट्यूड टेस्ट से लेकर कम्युनिकेशन असेसमेंट, आपका इंटरव्यू, बहुत सारा क्वेश्चन है जिससे आप प्रैक्टिस करके आपको पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे आप उसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? तो इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि एसेंचर का जो रिजल्ट है उनके केस में आया ही नहीं है, तो आपको सिंपली वेट करना है। और बहुत सारे लोगों का डाउट ये है कि इंटरव्यूअर ज्वाइन नहीं कर रहा है, जैसे इंटरव्यू का स्लॉट उन्हें मिल गया है लेकिन इंटरव्यूअर ज्वाइन ही नहीं कर रहा है, तो उस केस में क्या करना है, उस केस में कुछ नहीं करना है, आपको बस उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है जो मेल आया है इंटरव्यू के लिए और ज्वाइन नहीं हुआ है उसका, और फिर टिकट को रेज करना है, तो उस केस में आपको अलग से समाधान मिलेगा। तो चलिए, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, आप इस मटेरियल को चेक कर सकते हैं अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, जिससे आपका हेल्प हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे कुछ वीडियो के साथ। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।